प्रिय बच्चों, आज हम कक्षा दसम का उसी पाठ का रिवीजन करेंगे, अध्याय 3 का जल संसाधन। और इसमें नदियों के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारे देश की मुख्य नदियां हैं, वो इस मानचित्र में आपको बताने का प्रयास करूंगा मैं कि कौन कौन सी नदियां मुख्य हैं और उस पर किस किस प्रकार के बांध यानी कि परियोजनाएं बनी हुई है। क्योंकि जल संसाधन वाला जो अध्याय था उसमें विभिन्न बहुउद्देश्य परियोजनाएं आई थी, उनके बारे में इस मानचित्र में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये हमारा हमारे देश का जो मानचित्र आपको नजर आ रहा है, काल्पनिक मानचित्र है। तो इसमें ये नेपाल है, एक तिब्बत वाला क्षेत्र है, ये हिमालय पर्वत की श्रृंखला है, यहाँ से पूरा ये हिमालय पर्वत पूरा क्षेत्र की स्थिति जाता है। तो इसमें से जो चीन वाला हिस्सा है जहाँ तिब्बत है, यहाँ मानसरोवर झील है। इस मानसरोवर झील से दो मुख्य नदियां निकलती है हमारी, उनमें एक आती है, सबसे पहली जो नदी आती है वो आती है गंगा नदी। गंगा नदी भारत में बहती हुई समुद्र में गिरने से पहले दो धाराओं में विभाजित हो जाती है। इसकी एक धारा बांग्लादेश में चली जाती है, बांग्लादेश एक धारा बांग्लादेश में चली जाती है और एक धारा बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में इसकी एक धारा यानी कि गंगा नदी समुद्र में गिरने से पहले दो धाराओं में विभाजित हो जाती है। एक धारा बांग्लादेश में चली जाती है और एक धारा बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये डेल्टा बनाती है। डेल्टा का मतलब होता है समुद्र में गिरने से पहले नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। इस डेल्टा को कहते हैं सुंदर वन डेल्टा। यहाँ सुंदरी नाम के पादप यानी कि पेड़ पौधे पाए जाते हैं और बंगाल टाइगर जो सबसे फेमस टाइगर है, जो बिल्कुल यू कहते हैं कि मनुष्य के ऊपर भी आक्रमण कर देता है, वो यहाँ पर पाया जाता है। इस गंगा नदी पर जो सबसे मुख्य बांध परियोजना बनी हुई है वो बनी हुई है टिहरी परियोजना। इसके अंदर बनी हुई है टिहरी बांध है वो इसके ऊपर बना हुआ है। इसकी सहायक नदियों में सारा नदी बनती है, जो इसकी सहायक नदी कहलाती है। गंडक नदी आती है वह इसकी सहायक नदी होती है। उसी प्रकार से कोसी नदी है तो इसकी सहायक नदी है। ये तीनों नदियां बहती हुई और गंगा नदी में मिलती है। इसी प्रकार से दूसरी जो मुख्य नदी यहाँ से निकलती है उसका नाम है यमुना नदी। यमुना नदी भारत में बहती हुई इलाहाबाद के पास आकर गंगा नदी में विलीन हो जाती है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में आकर और गंगा नदी में ये मिल जाते हैं। इसके ऊपर भी अनेक छोटे मोटे बांध बने हुए। इसका मतलब यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदियों में सम्मिलित की जाती है। गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं उनकी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बहती हुई इलाहाबाद में जाकर गंगा में समा जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। इस यमुना नदी की सहायक नदी है हमारे राजस्थान की, हमारे जिले की जो सबसे मुख्य नदी है वह चंबल नदी। चंबल नदी इसकी सहायक है, यमुना नदी ये गंगा नदी। तो चंबल इसकी सहायक नदी है और चंबल पर अनेक परियोजनाएं बनी हुई है, जो कोटा से स्टार्ट होती है। सबसे पहले कोटा बिराज के नाम से इसके ऊपर बांध बना हुआ है, कोटा शहर में स्थित है। उस बिराज से दोनों तरफ दो लहरें निकली हुई है, दाई लहर और बाई लहर, जो बूंदी जिले और कोटा जिले को सिंचित करती है और मध्य प्रदेश तक अनेक स्थानों पर पानी उसकी सप्लाई होती है। साथ ही ये कोटा शहर और कोटा जिले के विभिन्न गांव की पेयजल को भी पूरा करती है, यानी पीने का पानी उपलब्ध कराती है। साथ ही कोटा में अनेक उद्योग हैं जो इससे पानी प्राप्त करके अपनी मशीनों को ठंडा करते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति।
पूर्ति करते हैं, इसलिए इसको बहुउद्देश्य परियोजना के नाम से जाना जाता है। फिर इसके ऊपर आता है दूसरा बांध जो बना हुआ है, उसके अंदर पन बिजली बनाई जाती है, यानी कि पानी से बिजली बनाई जाती है, इससे कोटा डैम के नाम से जाना जाता है। फिर इसके ऊपर अगला बांध आता है जवार सागर, इसको जवार सागर कहते हैं। फिर आता है राणा प्रताप सागर बांध जो रावतपाटा में स्थित है, तो ये उद्योगों को बिजली उत्पन्न कराता है, पन बिजली वहां भी बनती है, पानी से बिजली वहां भी बनाई जाती है, साथ ही वहां परमाणु बिजली घर बना हुआ है जिसको ये पानी उपलब्ध करवाता है, साथ ही सिंचाई में इसके पानी का उपयोग किया जाता है। और अंतिम और सबसे बड़ा बांध जो आता है वह आता है एमपी की सीमा पर गांधी सागर, जो पानी का सबसे बड़ा स्टोरेज है, यानी कि पानी का संपूर्ण स्टोरेज वहां किया जाता है, फिर आवश्यकता अनुसार बाकी बांधों को पानी उपलब्ध कराया जाता है। तो इस प्रकार से चंबल नदी पर चार बांध विभिन्न क्षेत्रों में बने हुए हैं जो बहुउद्देश्य हैं, जिनमें सभी प्रकार के पेयजल उपलब्ध कराया जाता है, सिंचाई का पानी उपलब्ध किया जाता है, उद्योगों के लिए पानी उपलब्ध करवाया जाता है इस प्रकार से, और बिजली भी बनाई जाती है इस प्रकार से, बहुउद्देश्य कहलाती है। उसी प्रकार से इसकी दूसरी है नर्मदा परियोजना, नर्मदा नदी, तो नर्मदा गांधी पर भी गुजरात में सरदार सरोवर बांध बना हुआ है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है, सरदार सरोवर। उसी प्रकार से यदि हम जम्मू कश्मीर का करें तो इसमें बड़ी नदियां निकल के सतलज नदी जाती है, व्यास नदी जाती है, सिंधु नदी जो यहाँ से जम्मू कश्मीर को चीरते हुए इधर ये सारी की सारी पाकिस्तान में चली जाती है, पाकिस्तान में मिलती है सिंधु नदी की सारी नदी में इनको सम्मिलित किया जाता है, सतलज और व्यास। व्यास इनकी संयुक्त परियोजना जो है वह है भाखड़ा नांगल बांध, जिससे राजस्थान के इंदिरा गांधी नगर आ रही है, इतना बड़ा बांध प्रोजेक्ट इनके ऊपर बना हुआ है जो भारत के अनेक क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराता है। यदि हम दक्षिण उत्तर भारत की तरह तो इसमें कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के ऊपर, कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के ऊपर नागार्जुन सागर परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना इन दोनों नदियों के संगम पर बनी हुई है। उसी प्रकार से जो घाटोल योजना है वह कावेरी नदी के इसके ऊपर बनी हुई है, घंटू परियोजना कावेरी नदी के ऊपर बनी हुई है। उसी प्रकार से हीराकुंड परियोजना महानदी के ऊपर बनी हुई है। इस प्रकार से हमारे देश की जो मुख्य मुख्य नदियां हैं, जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, उन पर विभिन्न प्रकार के बांध बनाकर उन बांधों को बनाने के पीछे सरकार का बहुउद्देश्य होता है, एक से ज्यादा काम होता है, यानी कि सिंचाई में भी काम लेते हैं, पेयजल में भी काम लेते हैं, मछली पालन में भी लेते हैं, मछली बिजली उत्पादन में भी लेते हैं, नौकायन में भी लेते हैं, इस प्रकार से अनेक कामों में उनका उपयोग किया जाता है। तो इस मानचित्र के माध्यम से मैंने भारत की मुख्य नदियां और बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो बहुउद्देश्य हैं उनके बारे में आपको अध्ययन करवाया है। जय हिंद।